सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MK एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इस टॉपिक को मैंने अच्छे से सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। वीडियो को ऐसे देखना जैसे कोई मूवी चल रही है। और दोस्तों, आप लोग बीच में याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग उसको दोबारा ओपन करके रिवाइज कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट इंक्लूड करा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप थ्योरी लेक्चर को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस को ऐड करा है जो एग्ज़ाम में दो दो तीन तीन बार रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट में टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे जिसमें मैंने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड करा है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो इसका सबसे पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। दूसरे कारण में बात करते हैं तो भारत की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थितियां भी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि की जिम्मेदार है। तीसरा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर नकारात्मक प्रभाव भी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, तथा भारत पर जापान के संभावित आक्रमण का खतरा भी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। तो दोस्तों, कई बार CGPSC मेंस में दो नंबर के क्वेश्चंस आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कोई प्रमुख चार कारणों पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पे आप इन चारों कारणों को लिख सकते हैं। और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें कूट दे दिया रहेगा आपको दो या तीन, और बताना है कि कौन से इसमें सही है, कौन से कारण और कौन से कारण गलत है। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी ने यहाँ पे ग्वालियर टैंक में आम सभा में इस आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया था। तो आइए, इसका और डिस्कशन करते हैं आगे। हम जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो कांग्रेस समिति बैठक वर्धा में 14 जुलाई 1942 को आयोजित किया गया। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू तथा गांधी जी सहित कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि वर्धा अधिवेशन में 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, केवल यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत छोड़ो नामक आंदोलन किया जाएगा ऐसा करके। तो 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में, इसका पिक्चर आप लोग देख चुके हैं, में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और 8 अगस्त 1942 को नेतृत्व में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है 8 अगस्त 1942 किनके नेतृत्व में थे, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। किनके खिलाफ, तो अंग्रेज शासन के खिलाफ। आंदोलन की प्रगति देखते हैं। गांधी जी ने जनमानस से आह्वान किया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त होने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले, अर्थात राजा महाराजा जो अंग्रेजों के अधीन थे वो उनकी गुलामी छोड़कर भारतीय जनता की प्रभुसत्ता अर्थात उनके राजा के रूप में कार्य करें, मतलब क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। तो दोस्तों, इस दौरान ऑपरेशन जीरो आवर, आप लोगों को मोस्टली याद रखना है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित कांग्रेस के
सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जो इस प्रकार दिखता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था, तो पूना के आगा खां पैलेस पर उनको रखा गया था। मुंबई के विभिन्न भागों से रेडियो का प्रसारण राम मनोहर लोहिया करते थे। उषा मेहता भूमिगत रेडियो के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ पे याद रखिए, जो उषा मेहता महिला थी वो भूमिगत रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार गुप्त रूप से करती थी, और राम मनोहर लोहिया भी रेडियो के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रसारण करते थे। इस आंदोलन में सभी वर्गों ने भाग लिया था। किसान दिन में खेती करते थे और रात में तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए थे। आगे देखते हैं, समानांतर सरकार का गठन हुआ था, जिसमें बलिया में सरकार बनी थी जिसका चित्तू पांडे ने नेतृत्व किया था। बंगाल के मिदनापुर में जाति सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता की थी। वही महाराष्ट्र के सतारा में वाईवी चौहान व नाना पाटिल ने इस समानांतर सरकार का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ पर समानांतर सरकारें बनी हुई थी। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। अनेक जगहों पर हिंसक आंदोलन हुए थे। गांधी जी ने शुरुआत में सभी से आह्वान किया था कि वो हिंसा को त्याग कर अहिंसा की राह में चले और इस आंदोलन का नेतृत्व करें, लेकिन लोगों में यह हिंसक आंदोलन बन गया धीरे धीरे। अरुणा आशा पल्ली ने ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराया था। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर देखिए, क्योंकि पिक्चर देखने से चीजें ज्यादा याद होती है। तो याद रखिएगा, अरुणा आशा पल्ली ने ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन की जहां से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, करो या मरो। इस आंदोलन के प्रमुख तथ्य देखते हैं तो गांधी जी के जीवनीकार अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे, जो उनके साथ इस आंदोलन के दौरान हमेशा रहते थे। ठीक है, जो ऐसे कुछ दिखते हैं पिक्चर में, तो याद रखिए ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, और भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। उस समय तत्कालीन वायस राव लॉर्ड लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायस राय कौन थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत भारत के वायस राय थे। यह आंदोलन बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहा, अर्थात इसका प्रचार प्रसार बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा हुआ। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पंजाब मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। दोस्तों याद रखिए, ये सभी हिंदू विरोधी पार्टियां थी जो इस आंदोलन के खिलाफ थी और जो अंग्रेजों के समर्थन में थे। इन्होंने गांधी जी का समर्थन नहीं दिया था और इस आंदोलन से ये लोग दूरी बनाए हुए रखे थे। तो दोस्तों, ये था हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर पार्ट, थ्योरी पार्ट। अब इसका चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं। दोस्तों आप सभी टेस्ट सीरीज को अच्छे से करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसको मैंने थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन करा है, जिसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, इसको आप लोग याद करके ही रखिए, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में प्रारंभ हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह पूर्णतया गांधी जी के द्वारा आयोजित था, यह सही हो जाएगा। इसके दौरान लोगों ने सरकारी भवनों,
रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों को जलाया, यह भी सही है। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना का प्रयोग किया, यह भी सही है, दूर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में। कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वर्धा प्रस्ताव में इसको पारित किया गया था, ये किसी अधिवेशन में पारित नहीं हुआ था। कांग्रेस की बैठक हुई थी वर्धा में, वहाँ इसको प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था? तो 14 जुलाई को, याद रखिए 14 जुलाई को। छठवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे कहाँ सर्वाधिक व्यापक हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार और संयुक्त प्रांत में। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने थ्योरी पार्ट में कर के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगा खां पैलेस में, जो कहाँ पर है? तो पूना में है। कहाँ पर है? तो पूना में है, ठीक है। आठवां प्रश्न है, वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है SSC रेलवे वगैरह के एग्जाम में, तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने रेडियो में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? इसको CGPSC प्री में 2015 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किस कांग्रेसी नेता ने रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा मेहता जी ने। एकमात्र महिला थी जो इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई हुई थी और यह सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर कौन थे, मतलब कि किस देश से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो एक अमेरिकी पत्रकार थे जो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के हमेशा साथ में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन कौन सी जगह में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो बलिया, सतारा और मिदनापुर में, मतलब कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है थ्योरी पार्ट में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिन लिथगो। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था। दोस्तों हम लोग इंडियन हिस्ट्री में और भी लेक्चर्स इंक्लूड करेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी साथ में इंक्लूड करेंगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।